ये रात का माहौल है, दिन का माहौल नहीं है, ये रात का माहौल है। तो हेमू जी के फिटनेस का और लॉन्ग राइड का राज है, आज नॉर्मल पानी से नहीं हो पाएगा, आज हमें गोलियां चाहिए। तो जो आखिरी पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे हम रुके थे वो उधर कहीं पे था। व्यू गाइस व्यू। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर चैनल। तो आज हम एक राइड पे जा रहे हैं, आज संडे है हमारा और अभी टाइम लगभग 5:30 का अराउंड हो गया है। ये मुझे अभी मेरे साथ में है, हमें तापुला जाना है, वहाँ कनाथ का मंदिर, शिव जी का मंदिर है, मल्लिका मैया का मंदिर है। आज नवरात्र का पहला दिन है तो हमने ये डिसाइड किया कि आज नवरात्रि इतने दिन हम माता के मंदिर को जाएंगे। तो हमारे साथ एक और जूनियर राइडर जुड़ गया आज काफी टाइम बाद, क्या नाम है? अवनेन्द्र शाह। और संतोष भैया आए हैं काफी टाइम बाद, बाकी इनकी इंजरीज बहुत हो रही थी, क्यों है मुझे? तो अभी टाइम 6:17 हो गया है और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, बाकी अपनी बाइक्स हमने यहाँ लगा दी। अभी मौसम कुछ ऐसा हो रहा है उधर, पूरी कोहरे की परत, अब जाड़ा शुरू हो गया तो इसलिए कपड़े पहन लिए अच्छे से क्योंकि विमान नहीं होने एकदम। तो अभी हम स्पॉट पे रुके हुए हैं थोड़ा नमकीन खाने के लिए और बिस्किट। यहाँ पे देखो कितनी गंदगी कर रखी लोगों ने। ये मुझे आप क्या कहोगे इस बारे में? ये तो बहुत गलत बात है। देखो हम थोड़ी देर यहाँ रुके थे, ये रात का माहौल है, दिन का माहौल नहीं है, ये रात का माहौल है। इतने यूथ लड़के यहाँ आते होंगे, कोई वृद्ध आदमी तो आता नहीं होगा यहाँ पर। वही यूथ आदमी यूथ आता है, और देखो हमारा यूथ कहाँ जा रहा है, वापिस जा रहा है भाई। ओके स्पीड बिल्कुल मत बढ़ाना है। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम लगभग 7 बजने वाले हैं और अभी पीछे से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं पौड़ी धार, यहाँ से ताकुला जहाँ हमें जाना है वो 25-30 किलोमीटर का राउंड है। तो मेन चढ़ाई तो पीछे ख़त्म हो गई है, अब आएगा डाउन आएगा, मतलब नॉर्मल चढ़ाई रहेगी अब, बाकी चलते हैं। संतोष भी आ गए हैं, आज मेन दिक्कत ही हो रही है कि बैग बहुत भारी हो रहा है, उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और आगे से संतोष भैया चल रहे हैं, धूप आ गई है, थोड़ा ठंडा गर्म मिक्स चल रहा है अभी। आज काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब यहाँ से डाउन आ रहा है तो बस चलते हैं, इसलिए हिमुजी ने जैकेट डाल लिया है और लगभग 8 बजे का टाइम होने वाला है और हम करीब 25 किलोमीटर आ चुके हैं शायद बागेश्वर से। तो थोड़े से डाउन के बाद अभी थोड़ा प्लेन आया और आगे से एलिवेशन आ रही है। तो हम पहुंच गए हैं कटपुर या चिना, क्यों है मुझे? तो अभी वहां काफी गेट से पूरी एलिवेशन चढ़ा रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब होनी शुरू होगी कि अब चढ़ाई आ रही है, देख लो ऐसा हो रहा है। तो अभी हम लोग
वासुदेव नाम की जगह पे पहुंचे हैं। हेमू जी मेरे आगे से चल रहे हैं और संतोष भाई मेरे पीछे से आ रहे हैं, एलिवेशन चढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी छाया आ रखी है, हालांकि जो चढ़ाई है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी काफली गेट से काफी एलिवेशन चढ़ा के आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा शूट करने का कुछ ऑप्शन था नहीं, तो बस चुपचाप चढ़ाई चढ़ा रहे थे। तो हेमू जी ने भी बताया 3 किलोमीटर तो जहाँ तक साइकिल रोड पे जाएगी वहां से, उसके बाद बोल रहे की 7-8 किलोमीटर हमें चलना है गोलियां डालने बोतलों में। आज नॉर्मल पानी से नहीं हो पाएगा, आज हमें गोलियां चाहिए। हाँ, क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद बैंड बजनी है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ से हमने पानी वानी भर लिया। तो हेमू जी ने यहाँ पे पनीर फ्राई किया था, अभी तो कुछ और ही लग रहा है, तो पाइनएप्पल जैसा हो गया है। रात में फ्राई करी हुई चीज हेमू जी हमें अब खिला रहे हैं, बताओ। हेमू जी की फिटनेस का राज है वो। तो हेमू जी के फिटनेस का और लॉन्ग राइड का राज ही है ये पनीर के पीस जो पाइनएप्पल की तरह लग रहे हैं। तो पीछे थोड़ा रुकने के बाद फिर से निकल गए हैं, हेमू जी और संतोष भी आगे चले गए काफी। बाकी हेलमेट अभी उतार लिया है, गरम बहुत लग रहा है मेरे को क्योंकि, और एक तो जैकेट पहनी है, इसका कोई ऑप्शन है नहीं, जैकेट अभी कहीं रख भी नहीं सकते। यहाँ पे हमारी रोड का सफर खत्म हो गया, यहाँ से तगड़ा एलिवेशन शुरू हो गया, नींबू पानी स्टार्ट हो गया यहाँ से। हाँ, जो जरूरत है इसकी। हाँ, धूप है आगे बहुत। तो रास्ता ऐसा है कुछ, हेमू जी काफी आगे निकल गए, संतोष भैया पीछे से आ रहे हैं। ऐसे ही चलना है हमें 5-7 किलोमीटर। तो अभी टाइम 10:30 के आसपास हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, बस यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है, आज चलाया नहीं जा रहा है उस हिसाब से जैसे पहले चलाया जाता था, क्योंकि कंटिन्यूटी में है नहीं। बाकी अभी हम बागेश्वर से 47 किलोमीटर आ गए हैं, अभी यहाँ से हेमू जी बता रहे हैं कि 2-4 किलोमीटर और है। तो जो आखिरी पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे हम रुके थे वो उधर कहीं पे था, उसके बाद ये पूरा चला के, और ऐसी रास्ता है पूरा, तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, पूरी घाटियाँ दिख रही है। हेमू जी कौन सी घाटियाँ हैं? ये जगन्नाथ की घाटी है और ये ताकुला की घाटी है, इसके पल्ली तरफ सोमेश्वर की घाटी आ जाती है। अच्छा, अगर ये रास्ता इसके पल्ले तरफ सोमेश्वर की घाटी आ जाती है, अगर हम यहाँ से जाएंगे ये सोमेश्वर को मिलेगा हमें। तो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ मल्लिकार्जुन मंदिर में, हेमू जी आ गए, संतोष भैया पीछे से, देखो इतनी चढ़ाई चढ़ा कर आ रहे हैं, बस इसी का वेट था और फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो ये मल्लिकार्जुन मंदिर का गेट है और ये दूसरा गेट है। देवी मंदिर में और यहाँ पे भी रेस्ट चल रहा है। हेमू जी हमारे शवासन में चले गए हैं, संतोष जो है यहाँ पे फोन चला रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी हमने एक एक ग्लास चाय पी ली, थोड़ा पानी पिया, हालांकि पानी चलो नीचे जाके पियेंगे। बाकी 12:30 के आसपास टाइम हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। टायर रपट रहे ना यहाँ पे, कहीं कहीं पे ग्रेवल पड़ा है तो उसकी वजह से टायर रपट रहा है। अब यहाँ पे पिरुल आ गया, तो अभी तो सही आ गया, फिर भी रास्ता पीछे ज्यादा ऑफ रोड थी। लेट मी शो यू हाउ इट इज डन।
मंदिर से आ रहे हैं तो ये यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, ये नीचे को जाता है और ये सीधे जाता है, ये सोमेश्वर को मिलता है, तो हमें ये वाला रास्ता पकड़ना है, चलते हैं। तो यहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जगह, ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी अब यहाँ से चलते हैं, अभी हमें ताकुला जाना है जो यहाँ से 5 किलोमीटर के अराउंड है, उसके बाद हमें बागेश्वर वापस जाना है जो कि बहुत दूर है, अभी 45-50 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ बैंड और बैंड में डाउन बहुत तगड़ा है, हालांकि रास्ता इतना चौड़ा है पर इसमें डर भी लग रहा है क्योंकि डाउन बहुत है और पिरुल की वजह से फिसलेंगे और ऊपर से कॉन्क्रीट है। तो अभी ताकुला यहाँ से 5 किलोमीटर बचे हैं, थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है। व्यू गाइस, व्यू मतलब कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, दोनों तरफ खेत है और हम बीच में चल रहे हैं। तो खाना वगैरह खा लिया हमने, पीछे 80 रुपये की थाली थी जिसमें झोली थी आपकी, मिक्स दाल थी, 3 रोटी आ जाती है, थोड़े चावल आ जाते हैं, एक सब्जी हो गई और मूली, बस पेट बढ़िया भर गया है। खाना खाने के बाद हम निकल गए हैं ताकुला से बागेश्वर की ओर। बागेश्वर यहाँ से 35-40 किलोमीटर और साइकिल आवाज़ दे रही है मुझे यार, आगे से चढ़ाई जैसी क्या दिख रही है, यही चढ़ानी क्या? तो हम सुबह बागेश्वर से यहीं से आए थे, उसके बाद हमने ये रास्ता पकड़ा था मलिका मंदिर के लिए, यहाँ से मलिका मंदिर 12 किलोमीटर था। बाकी संतोष भाई बता रहे हैं कुछ। अब फाइनली हम लोग उनके ताकुला के रास्ते वापस यहाँ पे बैरियर पे आ गए, अब यहाँ से डाउन हिल है और फिर कापली गैर से एक 10 किलोमीटर का समथिंग है, फिर बागेश्वर पहुँचे। बाकी अभी हेमुजी साथ में है और अभी हम लोग इसी रूट से आ रहे हैं, अब यहाँ से हमें सीधे बागेश्वर जाना है, डाउन है। मुझे पास की सुविधा होगी तो बताना। चलो 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 चलो, थैंक यू। तो अभी कटपुड़िया चिना के बाद वाला डाउन आ गया है और उससे पहले बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, अब थोड़ी राहत मिल रही है।
उसके बाद अभी हमारी थोड़ी सी चढ़ाई बची है जहाँ से हमारा डाउन स्टार्टिंग में शुरू हुआ था पहले जब हम आए थे। तो बस अब हालत पूरी ख़त्म हो गई है, अब चुपचाप घर जाएंगे और सो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। बाय संतोष भैया, बाय। थैंक यू।